नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश यहाँ पे हार के कगार पे पहुँच गई है। इस बार तीसरे दिन खेल का स्टार्ट हुआ और बांग्लादेश की टीम कल के दिन 126 रन पे ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड ने उन्हें बड़े स्कोर पे कहीं ना कहीं एक और बार उन्हें फॉलो ऑन खेलने का मौका दिया और अभी बांग्लादेश की पूरी टीम 278 रन पे 9 विकेट के नुकसान पर है। एक विकेट चाहिए न्यूजीलैंड को यहां से जीत दर्ज करने के लिए और ये टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की जीत जो कहीं ना कहीं पक्की बताई जा रही थी कि दोनों ही टेस्ट मैच बांग्लादेश जीतेगी, लेकिन यहाँ से न्यूजीलैंड ने एक आक्रामक खेल दिखाते हुए यहाँ पे पूरे मैच को अपने काबू में कर लिया, काबिज कर लिया है मैच पे, एक तरीके से आप कह सकते हैं। 278 रन पे 10 विकेट यहाँ पे हो चुके हैं बांग्लादेश के और एक इनिंग से यहाँ पे कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम यहाँ पे हार चुकी है और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से मैच जीत चुकी है। जी हाँ, अभी अभी अपडेट सामने आया है कि बांग्लादेश की टीम यहां पे हार चुकी है और न्यूजीलैंड वन बाय एन इनिंग्स एंड 117 रन से। जी हां, न्यूजीलैंड ने दूसरा टेस्ट मैच यहां पे जीत लिया है एक इनिंग और 117 रन से। जी हां, आपको पूरी मैच की अगर समरी बताओ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 521 रन न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग में बनाए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा रन टॉम लैथम ने यहाँ पे कहने के बनाए थे। 252 रनों का लक्ष्य उन्होंने यहाँ पे अपने अपने कहने कहीं अपने मैच में बनाए थे और 252 रन उन्होंने अपने निजी स्कोर में ऐड करे थे। 373 गेंदों का सामना कर रहा था, जिसकी बदौलत पूरी न्यूजीलैंड की टीम 521 रन बनाने में यहाँ पे कहीं ना कहीं कामयाब रही और 6 विकेट नुकसान। उसके बाद उन्हें यहाँ पे डिक्लेरेशन दी और उसके बाद बांग्लादेश की टीम की बैटिंग उतनी अच्छी रही नहीं, दोनों ही पारियों में एक बार 126 और दूसरी बार 278 रन ही यहां पे बना पाई बांग्लादेश की टीम और न्यूजीलैंड की टीम यहां से एक इनिंग और 117 रन से मैच जीत चुकी है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की टीम यहां पे सेकंड टेस्ट मैच हार गई है और बांग्लादेश की ओर से दूसरी इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज लिंटन दास, जिन्होंने शतक मार कर बांग्लादेश की उम्मीदों को थोड़ा खड़ा करा था, लेकिन उनका साथ कोई भी बल्लेबाज यहां पे दे नहीं सका और 278 रन पे बांग्लादेश की पूरी टीम यहां पे ऑल आउट हो गई और फॉलो ऑन में भी कहीं ना कहीं वो चेज नहीं कर पाई न्यूजीलैंड के इतने बड़े स्कोर को। और न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 521 रन के का स्कोर खड़ा करा था बांग्लादेश के सामने 6 विकेट के नुकसान पे। बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 126 रन ही बना पाई, जिसमें कहर बरपाया था न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने। यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट, जो पहले टेस्ट मैच में काफ़ी फीके नज़र आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पे तहलका मचाते हुए 5 विकेट अपने झोली में करे हैं। यहाँ पे साउथी ने 3 विकेट चटकाए थे, कैली जैमिनसन ने 2 विकेट अपने नाम करे थे, वैगनर के उस खाते में कोई विकेट यहाँ पे नहीं गया। और जब बांग्लादेश की टीम सेकंड पारी खेलने उतरी यहाँ पे फॉलो ऑन खेलने, तब जिस गेंदबाज ने यहाँ पे कहर बरपाए वो थे कैली जैमिनसन। जी हाँ, लंबे चौड़े कद के गेंदबाज कैली जैमिनसन ने यहाँ पे कहर बरपाया और 4 विकेट अपने नाम करे। यहाँ पे 18 ओवर कराए, 82 रन दिए और 4 विकेट अपने नाम करे। नील वैगनर ने भी 3 विकेट अपनी झोली में करे, डैरी मिचेल ने 1, रॉस टेलर ने अपने लास्ट टेस्ट मैच में गेंदबाजी कराते हुए 1 विकेट अपने नाम करा है। जी हाँ, रॉस टेलर का ये लास्ट मैच है न्यूजीलैंड के लिए और यहाँ पे उन्होंने ओवर कराते हुए बांग्लादेश के 1 विकेट चटका कर इस जीत को अपने नाम करा। जी हाँ, टीम साउथ ने 1 विकेट झटका। अगर बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की सेकंड इनिंग की, 278 रन पे 10 विकेट यहाँ पे गवा दिए थे, इसमें सदमान इस्लाम ने 21 रन बनाए, 48 गेंदों का सामना करा, 3 चौके मारे, मोहम्मद नईम ने 24 रन बनाए, 98 गेंदों का सामना करा, 1 चौका मारा, नजमुल हुसैन संटो ने यहाँ पे 29 रन की पारी खेली, 36 गेंदों का सामना करा, 5 चौके जरूर इसमें मारे, 1 छक्का जरूर था उनका, विकेट नीन वैगनर ने लिया, सदमान इस्लाम का विकेट जैमिनसन ने छटकाया था, कैच कराया था टॉम ब्लंडल के हाथों, मोहम्मद नईम का विकेट टीम साउथ ने लिया, लेंथम के हाथों कैच कराया था और अब आए मोमिनुल हक जो कप्तान है बांग्लादेश टीम के, उनका विकेट लिया नील वैगनर ने 37 के स्कोर पे और 63 गेंदों का उन्होंने सामना करा, 4 चौके उनके इस कहने के उनके पारी में लगे, रॉस टेलर ने उनका कैच पकड़ा और वैगनर ने उनका विकेट झटका। उसके बाद आए लिंटन दास, जिन्होंने शानदार तरीके से यहाँ पे शतक मारा, 276 में से 102 रन तो लिंटन दास ने ही बांग्लादेश की ओर से बनाए हैं, 114 गेंदों का सामना करा, स्ट्राइक रेट देखे तो 79 का लिंटन दास का स्ट्राइक रेट है, काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली लिंटन दास के द्वारा, 14 चौके 1 छक्का इनके बल्ले से निकला, इनका विकेट यहाँ पे कहीं ना कहीं कैली जैमिनसन ने लिया यहाँ पे और कहीं ना कहीं ये विकेट लेकर भाई यार वियो कर रहा।
दास की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। लिंटन दास ने शानदार तरीके से यहाँ पे पारी खेली है, 100 का यहाँ पे आंकड़ा छुआ और कहीं ना कहीं मैच बचाने के लिए लिंटन दास ने बहुत अहम पारी यहाँ बांग्लादेश के लिए खेली है। यासिर शाह ने 2 रन बनाए, उनका विकेट नील वैगनर ने लिया। 9 गेंदों का सामना करा, लैथम ने यहाँ पे उनका कैच पकड़ा। उसके बाद आए मेहंदी हसन ने यहाँ पे 3 रन बनाए। उसके बाद नूरुल हसन, जो लिंटन दास के साथ अच्छी साझेदारी जोड़ बनाई थी उन्होंने यहाँ पे, कहीं ना कहीं नूरुल हसन ने उनका विकेट डैरी मिचेल ने लिया, कैच कराया उन्हें वैगनर के हाथों। 36 रन के निजी स्कोर पर 54 गेंदों का उन्होंने सामना करा, 7 चौके मारे, 66 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। जी हाँ, उसके बाद तस्कीन अहमद ने यहाँ पे 9 रन की पारी खेली, 17 गेंदों का सामना करा। अब जिस तरीके से यहाँ पे मैच चल रहा है, काफ़ी कड़ाकेदार ये मैच हुआ था। सेकंड टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और बांग्लादेश को कहीं ना कहीं मैच के चारों खाने यहाँ पे चित करके बैठे, और पूरा का पूरा मैच बांग्लादेश ने एक इनिंग और 117 रन से अपने नाम कर लिया है। गेंदबाजों को जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ट्रेंट बोल्ट ने बांग्लादेश की पहली इनिंग में 5 विकेट चटकाए थे। सेकंड इनिंग में फॉलो ऑन खेलते हुए बांग्लादेश की ओर से लिंटन दास ने शतक मारा। केली जेमिसन ने न्यूजीलैंड की ओर से 4 विकेट चटकाए। वैगनर ने 3 विकेट चटकाए। साउदी ने यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करी टीम, और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से टीम एफर्ट यहाँ पर न्यूजीलैंड की ओर से देखने को मिला, और पूरी की पूरी टीम जब एकजुट होकर मैच जिताने स्टार्ट की तो मैच कहीं ना कहीं अब सीरीज बराबरी भी आ चुकी है 1-1 के। जो सपना था बांग्लादेश का एक एशिया से बाहर टेस्ट मैच जीतने का, एक टेस्ट मैच जीत भी दिया था यहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक, उस खुशी को ज़्यादा देर तक यहाँ पे जमाए नहीं रख पाए बांग्लादेश की टीम, और दूसरा टेस्ट मैच यहाँ पे न्यूजीलैंड की ओर से एक इनिंग और 117 रन से गवा बैठे हैं पूरी बांग्लादेशी टीम। अगर बात करी जाए दूसरे फॉलो ऑन में गेंदबाजों की, तो तस्कीन अहमद ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाया। जब न्यूजीलैंड की पहली इनिंग स्टार्ट हुई थी 521 रन बना लिए थे यहाँ पे न्यूजीलैंड ने। इसमें टॉम लैथम, विल यंग, कॉनवे लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखे। यहाँ पे लैथम ने 252 रन की यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली। 2 साल बाद उनके बल्ले से यहाँ पे कहीं ना कहीं इतना बड़ा स्कोर देखने को मिला है, और कप्तानी में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से नेतृत्व करते हुए दिखे हैं। यहाँ पे केन विलियमसन इस मैच में नहीं खेल रहे थे, रॉस टेलर का ये लास्ट मैच है। विलियंग ने 54 रन की पारी खेली को बढ़ते हुए सितारे यहाँ पे न्यूजीलैंड की ओर से। विलियंग, कॉनवे ने शानदार तरीके से 109 रन की पारी खेली को 66 गेंदों का सामना करा। उसके बाद रॉस टेलर, जिनका लास्ट मैच था, कहीं ना कहीं 28 रन की उन्होंने पारी खेली, 39 गेंदों का सामना करा, 4 चौके इसमें शामिल थे। हेनरी निकल्सन यहाँ पे 4 डॉट गेंदें खेली। उसके बाद डैरी मिचेल और टॉम ब्लेंडन ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 57 रन की बदौलत यहाँ पे पूरी न्यूजीलैंड की टीम 600 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन 521 रन पे उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया, और पहले ही दिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा स्कोर यहाँ पे खड़ा कर दिया। फिर दूसरे दिन जब बांग्लादेश की टीम खेलने उतरी तो 126 रन पे अपने पूरे के पूरे 10 विकेट यहाँ पे उन्होंने गवा दिए, और फिर एक और बार उन्हें फॉलोन खेलने का मौका दिया, और फॉलोन खेलते वक्त भी उन्होंने ये स्कोर चेंज ना करके 278 पे अपने सारे के 10 विकेट गवा दिए, और एक इनिंग और 117 रन से यहाँ पे मैच को गवा दिया बांग्लादेश की टीम ने। और सपने को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया उनका ऐसे बाहर टेस्ट सीरीज जीतने का न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड में घर में उन्होंने एक मैच जरूर जीता था पहले टेस्ट मैच आगाज, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से करा था, लेकिन दूसरे मैच में उन्हें यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी है।